स्टार डिफेंस एस्पिरेंट्स, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। अक्सर मेरे से बीटेक होल्डर्स पूछते हैं जो बीटेक कर चुके होते हैं कि सर हम कैसे आर्मी में अफसर बने। डिफेंस एस्पिरेंट्स, फौज में बीटेक होल्डर्स के लिए दो वैकेंसीज होती हैं जिसके थ्रू वो फौज में, इंडियन आर्मी में इन पर्टिकुलर ऑफिसर बन सकते हैं। एक है एसएससी टेक और दूसरी है टीजीसी। आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स यानी कि टीजीसी एंट्री के बारे में। एस्पिरेंट्स, टीजीसी 140 के फॉर्म्स आ गए हैं। टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स टीजीसी उन एस्पिरेंट्स के लिए है जिनकी एज 20 से 27 साल है, जो अनमैरिड मेल्स हैं जिन्होंने बीटेक से ग्रेजुएशन कर ली है या बीटेक फाइनल ईयर में है। एस्पिरेंट्स, ऐसे कैंडिडेट्स को इंडियन आर्मी एक सुनहरा मौका देती है जिसमें विदाउट एनी रिटन टेस्ट उनको डायरेक्टली एसएसबी इंटरव्यूज को फेस करने का मौका मिलता है और इस बीटेक डिग्री के तहत इंडियन आर्मी में एज अ कमीशन्ड ऑफिसर वो सर्व कर सकते हैं। अक्सर एक कंफ्यूजन बना रहता है कि क्या टीजीसी के लिए सिर्फ टेक्निकल जॉब्स ही हैं इंडियन आर्मी में, तो एस्पिरेंट्स ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको उछल कूद करनी है, आपको इन्फेंट्री में जाना है, आर्टिलरी में जाना है, एयर डिफेंस में जाना है, किसी भी यूनिट में जाना है, आपके पासिंग आउट परेड से 15 दिन पहले आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, आपकी प्रेफरेंस पूछी जाएगी एंड बेस्ड ऑन द वैकेंसीज आपको डिप्यूट कर दिया जाएगा। टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स मतलब ये नहीं कि आपको सिर्फ टेक्निकल काम करने इंडियन आर्मी में, यू आर ट्रीटेड एज एन ऑफिसर एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड कि आपको जिस यूनिट में पोस्टिंग मिले उस यूनिट का आप कमांड एंड कंट्रोल संभालें। एस्पिरेंट्स, क्योंकि ये एक डायरेक्ट एंट्री है, लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन इसमें बहुत ज़्यादा हाई है। नंबर ऑफ सीट्स 30 हैं। टीजीसी 140 की इन पर्टिकुलर बात करें तो इसकी ज्वाइनिंग जनवरी 2025 में होगी। जी, जनवरी 2025 तक आपको बीटेक पास सर्टिफिकेट जिसे पीडीसी प्रोविजनल डिग्री होती है वो देनी ज़रूरी है, नहीं तो इंडियन मिलिट्री अकेडमी आप ज्वाइन भी कर सकते हैं लेकिन विद इन 12 वीक्स आपको इंडियन मिलिट्री अकेडमी में अपने डॉक्यूमेंट्स भी प्रेजेंट करने होंगे। आपको करना यूँ होगा कि आपको ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे जाना होगा, ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे ऑफिसर्स एंट्री पे लॉगिन करना होगा, अपने आप को रजिस्टर करना होगा, टीजीसी 140 का एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। एस्पिरेंट्स, यहाँ पे मैं एक चीज़ और आपको बताऊँगा, क्योंकि डायरेक्ट एंट्री है सबको एसएसबी इंटरव्यूज़ के लिए इंडियन आर्मी नहीं बुला रही है, आपके फॉर्म्स को शॉर्टलिस्ट किया जा रहा है। आपके फॉर्म्स को शॉर्टलिस्ट करने का तरीका है परसेंटेज क्राइटेरिया। जी हाँ, क्यूमुलेटिवली बीटेक में कितने परसेंटेज बन रहे हैं उस बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट आपके फॉर्म को किया जाएगा और सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड में आपको बुलाया जाएगा। अगर आप पीछे टीजीसी के फॉर्म्स शॉर्टलिस्टिंग की बात करें तो सबसे ज़्यादा कट ऑफ बीटेक मैकेनिकल एंड बीटेक कंप्यूटर साइंस या सीएस का जाता है, लगभग 80% जाता है, यानी कि क्यूमुलेटिवली अगर 80% है तब जाके फॉर्म शॉर्टलिस्ट हुए हैं पीछे टीजीसी में। इस बार क्या होगा वो आपको मैं वीडियो के द्वारा बता दूंगा। सिविल, बीटेक सिविल 72%, बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स 76%, बीटेक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स 78%, एमएससी कंप्यूटर साइंस भी जा सकता है लेकिन याद रखें 80% जो है वो कट ऑफ है। मैक्सिमम कट ऑफ बीटेक सीएस एंड बीटेक मैकेनिकल का है और सब्सिक्वेंटली एवरेज की बात करें तो 75-76% तो चाहिए ही चाहिए अगर आप अपना फॉर्म शॉर्टलिस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि ये एक परमानेंट कमीशन है। ऐसा नहीं है कि 10 साल की नौकरी है एक्सटेंडेबल अप टू 4 मोर ईयर्स, इसलिए फॉर्म शॉर्टलिस्टिंग के लिए परसेंटेज थोड़े हाई रखे गए हैं। एस्पिरेंट्स, याद रखिएगा फॉर्म शॉर्टलिस्टिंग के बाद भी कॉम्पिटिशन लेवल इज़ वेरी वेरी हाई, इसलिए सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू की तैयारी सही हाथों में, सही गाइडेंस में करिएगा। मैं गुजारिश करूंगा त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के एसएसबी एक्सपर्ट कैप्टन एसके सर से कि टीजीसी के मुद्दे पे हम एक वीडियो जरूर बनाएं साथ में, लेकिन तब तक के लिए याद रखिएगा कि अगर आपके पास बीटेक में मोर देन 75-76% हैं तो आप सेफ जोन में हैं। साथ ही क्योंकि टीजीसी की जो एसएसबी इंटरव्यूज के कॉल हैं वो जुलाई अगस्त से स्टार्ट होंगे, इसलिए इट इज़ बेटर कि आप आज से तैयारी स्टार्ट करें।
त्रिशूल डिफेंस एकेडमी एक डेडिकेटेड ऑर्गेनाइजेशन है डिफेंस एस्पिरेंट्स के प्रति जो फौज में अफसर बनना चाहते हैं। पिछले 20 सालों से लगातार हम फौज में अफसर बनने की तैयारी कराते आ रहे हैं, रिटन कोर्सेज करा रहे हैं, SSB इंटरव्यू करा रहे हैं। SSB इंटरव्यू के कोर्सेज कर्नल पंकज मेहरोत्रा सर, जो कि खुद आर्मी सिलेक्शन बोर्ड इलाहाबाद एंड भोपाल बोर्ड के डिप्टी प्रेसिडेंट रह चुके हैं एंड इंटरव्यूइंग ऑफिसर रह चुके हैं, उनके गाइडेंस में, एंड कैप्टन SK सर जो GTO एक्सपर्ट के नाम से जाने जाते हैं, उनके गाइडेंस में कराते हैं। त्रिशूल के पास अपना होम ग्राउंड है, GTO ग्राउंड है, जहाँ पे बच्चों को लगातार प्रैक्टिस होती है, साथ में बाहरी बच्चों के लिए अपनी SSB की डॉर्मेट्री है। अगर आप ऑनलाइन हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो TGC के लिए स्पेशल ऑनलाइन बैचेस भी हैं जो शाम को 6 बजे चालू होते हैं और 7-7:30 बजे तक चलता है, जिसकी वैलिडिटी 6 मंथ्स है। एस्पिरेंट्स ऑफलाइन स्टूडेंट्स के लिए 14-21 दिन का प्रोग्राम है, वहीं ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए ये प्रोग्राम लगभग 6 महीने का है, जहां आप स्टेप बाय स्टेप लगातार अपनी पर्सनालिटी में चेंजेस देखेंगे। ये बात जरूर याद रखिएगा कि क्योंकि आप फौज में कमीशन्ड अफसर बनने जा रहे हैं, इसलिए बेसिक लेवल ऑफ कम्युनिकेशन, बेसिक अंग्रेजी की ज़रूरत है, इतना कि आप कम्युनिकेट कर पाएं, क्योंकि फौज की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। एस्पिरेंट्स, अगर आपका सपना भी फौज में अफसर बनने का है और आप BTech होल्डर हैं, तो TGC से अच्छी वैकेंसी कोई और नहीं है। अभी TGC के फॉर्म्स भरें। फॉर्म भरते वक्त किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, इसके लिए त्रिशूल डिफेंस अकेडमी का ब्लॉग blog.trishooldefenseacademy.com जरूर पढ़ें, ताकि आपको लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे जो जरूरत पड़ेगी आपको TGC 140th के फॉर्म भरने के लिए। इसी के साथ इजाजत दीजिए, अगर आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो रही है फॉर्म भरते वक्त तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू, जय हिंद। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप, तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।